हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? आशा करते हैं कि बहुत ही आप लोग अच्छे होंगे। अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, जहां भी है जिस रूप में है आप लोग मस्ती से जो है बैठ करके पढ़िए। कहीं भी किसी भी तरह का ये नहीं सोचना है कि आपके एग्जाम्स जो है बहुत दूर चला जाएगा, ठीक है। आपकी तैयारी अगर रहेगी, कभी भी एग्जाम्स अगर बोर्ड लेगा तो आप उसमें क्रैक करने के लिए कैपेबल रहेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग विस्तृत में बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट है और बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि सर बताइए क्वेश्चन का लेवल आप कहाँ से लाते हैं, किस लेवल से क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में। अभी आपके एग्जाम्स देखिए, आपके एग्जाम्स जो है अभी दो लेवल ध्यान रखिएगा। आपके बिहार दरोगा एग्जाम होने वाला है, बीएसएससी प्लस टू इंटर लेवल का, और एक और जो है सीजीएल, है ना। सीजीएल आपको पूरा आने वाला है। तो जो बच्चे जो थ्री में जो सफल हुए हैं, इनका डिग्री भी हो गया है, ठीक है ना, वो लोग बहुत वृद्ध हो चुके हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हम लोग ऑनलाइन के सेशन से पढ़ाते थे, एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाते थे, लेकिन अब जो है हम लोग ऑफलाइन के सेशन में आ गए हैं। ये तो आपको पता है, भली भांति वीडियो के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, या मान लीजिए मैगजीन के माध्यम से हो, एनी बड़ी आईडी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो आपका तीन एग्जाम जो है, अभी एग्जाम जो है हाल में आपके एग्जाम होने वाले हैं। विद इन 7 से 8 महीने के अंदर जो कम से कम तीनों एग्जाम जो आपके प्री का लेवल का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे लोगों का जो आना जो है मेरे पास, आने के मतलब है कि लेवल। अभी हम लोग पटना में 2 अक्टूबर से डेमो क्लास स्टार्ट किए थे, 1 सप्ताह तक डेमो चला, बहुत ही मजा आया लड़कों के बीच, बहुत ही मजा आया। उसके बाद जो है कि अगला 9 तारीख से जो है आपके रेगुलर क्लास 1 सप्ताह हम लोगों का चला है, ठीक है। 1 सप्ताह क्या मतलब, दूसरा सप्ताह में भी 3-4 दिन चला। उसके बाद जो है कि हम लोग का क्लास जो है अभी ऑफ है। बहुत सारे बच्चों में घबराहट हो रहा था कि सर इतना दिन क्लास मत बंद करिए, लेकिन परिपाटी जो बनी हुई है क्वेश्चन का, और या आपका पटना में जो है कि ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जो बंद करने का, उसमें सब मुझे भी चलना है। तो ये क्वेश्चन का जो लेवल जो लड़का लोग देखा ना, तो काफी मृदु हो चुका है। हजारों लड़के प्रतिदिन आपको बता रहे हैं कि सेंटर में कम से कम मैक्सिमम लड़के जो है विजिट कर रहे हैं, फेलम फेली है एकदम, आइए, ठीक है ना। तो मैं वैसे छात्रों को आगाह करना चाहता हूं कि आप जो है पटना में आप रहते हैं, सबसे पहले जरूरी है कि आपकी कंटेंट और आपकी जो है सॉल्यूशंस, क्वेश्चन का लेवल। जब हम क्लास में लेते हैं तो पूछते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, पौनार आश्रम की स्थापना कब हुआ, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। पौनार आश्रम जानते हैं, विनोबा भावे, ओरेविली आश्रम का स्थापना किसने और कब किया, किसने तो याद है अरविंद घोष, लेकिन कब किया नहीं याद है। तो दोस्तों 1 सप्ताह जब क्लास जब जम के जब लिए, तो लोगों में जो एक बड़ा जो है उत्साहवर्धक, और जो है कह सकते हैं कि हम जाकर के अंदर अंदर जो है उनका जो है कैपेसिटी पढ़ने का और रुझान जो है बहुत इडली ग्रुप के प्रति बहुत ज्यादा हो गया है। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन का लेवल जो है, क्योंकि एक्सपर्ट लोग राय में अगर पढ़िएगा, एक्सपर्ट के साथ में अगर पढ़िएगा, तो निश्चित तौर पर आपके क्वेश्चन को लेवल तो मिलेंगे ही, प्लस सॉल्यूशन भी आपके जबरदस्त मिलेंगे। और जो भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आपके मन में अगर आपके हैं, अब ये चला गया कि महात्मा गांधी ने, सॉरी ये आपके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि महाराणा प्रताप की तरफ से इनमें से कौन सी जनजाति जो है भाग लिया था हल्दी घाटी के युद्ध में, ये क्वेश्चन आपको आता है। तो अब क्वेश्चन का लेवल जो है पैटर्न जो है चेंज हो चुका है। तो उस पैटर्न पर जो मॉडर्न युग क्या है, मॉडर्न लेवल के है। अभी हाल ही में आप लोगों के एग्जाम देखोगे, बीपीएससी का हुआ है, बीपीएससी यानी 69 हुआ है, बीपीएससी यानी टीचर हुआ है। तो क्वेश्चन का लेवल तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेवल क्या है। तो उसी टाइप से जो है बीपीएससी जो है आपका बिहार दरोगा का एग्जाम लेने वाला है, तो क्वेश्चन को आपको हल्का में नहीं लेके चलना है। और जितने आपके मार्क्स अगर आपको आ रहे हैं, तो आपको वादा करते हैं कि हमारा बिहार एसआई का जो है वॉल्यूम 1 आया है, ठीक है ना, वॉल्यूम 1 आया है, और उस वॉल्यूम 1 में 16 सेट है। कम से कम एक बार जो है बना करके उसको देख लीजिएगा, आपको खुद जो है पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, खुद पता चल जाएगा बाबू, ठीक है ना। और इस तरह से 6 आपको वॉल्यूम लेकर के आ रहे हैं बिहार एसएससी में, आपका बुक्स जो है लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, बिहार एसएससी में बुक्स लेकर के आ रहे हैं, और बहुत ही मजा आएगा। उसको एक बार अवश्य जो है कि पढ़ लीजिएगा, सारे सेट्स को अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत मजा आएगा। दूसरा चीज देखिए, क्वेश्चन लेवल डालने का जो है 100% क्वेश्चन में, 100% में 20% कौन सा लेवल क्वेश्चन आता है, 15% कौन सा लेवल आता है, है ना, 30% कौन सा लेवल आता है, ये सब जानना होगा। क्वेश्चन का लेवल का पैटर्न को समझना होगा। पुराने ढर्रे पर चलने से आपके रिजल्ट नहीं होंगे,
ठीक है ना। इसलिए मैक्सिमम रिजल्ट की हम बात करते, कोचिंग में 1000-2000 लड़के अगर पढ़ा रहे हैं तो 2-4, 10-20 को तो रिजल्ट आम बात है, वो लड़कों की मेहनत पर डिपेंड कर। लेकिन हाँ, 2000 लड़के अगर पढ़ा रहे हैं, 700-800 अगर रिजल्ट आपकी होगी तो आपका आपका जो मेहनत काल आएगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल जो है एक बार अवश्य जो है जिन जो लोग नहीं देखे हैं देखने की कोशिश करें कि लेवल क्या है क्वेश्चन का। आप लोगों को जो है बुक्स जो है हर जिले में मिल जाएंगे, हर जिले में आपको मिल जाएंगे बुक्स पूरे आपका जो है कि हम इतना सोचे भी नहीं थे, लगभग 50,000 प्रति जो है मार्केट में बुक जो है निकल चुका है, और इतना हम सोचे भी नहीं थे कि इतना कम समय में इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। दूसरी बात, अभी और भी इसका डिमांड है, वॉलूमन का अभी और भी डिमांड है, तो आपको जो है अभी फेस्टिवल में बंद है, अभी दशहरा पूजा में बंद है, इसमें और भी 50,000 लेवल का 50,000 जो प्रति जो आपको निकलवा रहे हैं, और तब तक से आपका वॉल्यूम 2 भी आ जाएगा। वॉल्यूम 2 आपका जो है दशहरा के जस्ट तुरंत बाद जो है कि आपके मार्केट में मिलने लगेंगे वॉल्यूम 2। तो इस तरह से 6 वॉल्यूम अगर बना लीजिएगा तो जितने भी आपको मार्केट से जो प्रैक्टिस से जो दिख रहे हैं ना, जितने भी आपको बुक्स से दिख रहे हैं ना, सब जो है आप इसके सामने सब बौना प्रतीत होगा, ठीक है। कह नहीं रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि आप इसको, हमारा कंटेंट भी लोग चोरी कर रहा है। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा कि मेरा सेट मार्केट में जैसे ही आया, मतलब सेट नंबर मेरा 5 और एक और प्रैक्टिस सेट जो आता है मार्केट में, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, मैं उनसे डायरेक्ट रूप से बैठ करके हम बात करेंगे कि कंटेंट आपने क्यों डाला है, ठीक है ना। तो अब लोग जो है चोरी भी मेरा कंटेंट का करने लगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम जो ऑनलाइन में सेट में जो क्वेश्चन एग्जाम डालते हैं वही जाकर के बुक्स भी निकाल रहे हैं, वही जाकर के ऑफलाइन में सेंटर में जो टेस्ट भी लेते हैं वही ऑफलाइन जो है आपका जो है ऑनलाइन में भी डालते हैं। तो वो जो आप जो कंटेंट मेरा लोग चोरी किया है वो आज का कंटेंट नहीं है, 6 महीने पहले का कंटेंट है, उसको प्रूफ के साथ प्रमाण के साथ हम दिखा सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अब बहुत सारे लोगों का जो खटिया खड़ा हो जाएगा, बशर्ते कि कुछ समय का मेहमान लोग हैं और मैक्सिमम लोगों को पता चल जाएगा कि लेवल क्या होता है, ठीक है ना। 1-2 रिजल्ट नहीं दिए हैं बल्कि 17 नौकरी दिए, लेकिन इसका जो डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन आप अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन कोई भी अगर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि सपोज डेट 1905 की अगर घटना हुआ, 1905 में मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन लगाया गया कि मध्य द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुआ, तो ये आपको पता है 1905 ही इसका आंसर होगा, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा होगा द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसको बोलते हैं भारत सेवक समाज। और 1905 में बहुत सारे क्वेश्चन आपको है, आपको याद होगा 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, INC कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बनारस में हुआ था। बनारस किन दो नदियों के नाम पर रखा गया है, तो वर्मा प्लस अस्सी, इसको बोलते हैं वाराणसी। क्या बोलते हैं, वाराणसी। अब जो है नाम सुने होंगे वन अनुसंधान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर आपका देहरादून में है। कहाँ पर है, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान। उसका स्थापना कब हुआ था, 1905 में ही हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। यूएसए ओपन का नाम सुने होंगे, फ्रेंच ओपन का नाम सुने होंगे, विंबलडन का नाम सुने होंगे, यूएस ओपन का नाम सुने होंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन का नाम सुने होंगे। तो यूएस ओपन की शुरुआत भी जो है ना, यूएस ओपन की शुरुआत भी आपका 1905 में ही हुआ था, ठीक है। और DLW का नाम सुने, DLW मनवाड़ी, ठीक है ना। तो ये यूएसए के सहयोग से जाकर के 1905 में ही किया गया था, और 1905 में जाकर के बंगाल का विभाजन, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई अगर एक क्वेश्चन अगर आपके सामने अगर आया तो राकेश लाल उसको छोड़ते नहीं है, बल्कि एक एक पॉइंट को लेकर के छेड़ते हैं। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट यही है, आप एक स्टूडेंट हैं, आप चाहे जिस लेवल के स्टूडेंट हैं, बिहार पुलिस के हैं, है ना, BSSC आपका इसका भी बैच जल्द लेकर आ रहा है, BSSC जिले में मेरा रिजल्ट देखे होंगे, और जिनको देखना है आँख फाड़ फाड़ के देखना है ना, वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, पूरे आपके रिजल्ट आपके वार्ड भेज देंगे, क्योंकि हम स्टेटस लगाते रहते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल, अब आपके जो है डीबी हो चुके हैं स्टूडेंट का, अब फाइनल रिजल्ट होगा, और परिचय भी आप लोगों को कराएंगे क्लासरूम में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक रिजल्ट जब आता है तो बहुत सारे लोग जो है कि डुगडुगी पीटने लगते हैं, यहाँ पर हजारों हजार रिजल्ट जब देते हैं राकेश वाला, तो डुगडुगी पीटने का काम नहीं करते हैं। और यही कारण है कि एक सप्ताह के अंदर जो है मेरे यहाँ लगभग 4,000 बच्चों का एडमिशन हुआ। आप सोच सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, हम बच्चों को बुलाते नहीं है, कंटेंट कंटेंट कंटेंट, इसलिए कहा कि कंटेंट ही मेरी पहचान है। आपको भी इस बात को समझना होगा, लेकिन बुक्स हैं बहुत सारे मार्केट में बुक्स हैं, लेकिन आप जो है कि मार्केट में अगर मान लीजिए कि आप बोले कि नहीं प्रैक्टिस सेट चलाइए, हमने प्रैक्टिस सेट लेकर आया, एसआई का प्रैक्टिस सेट लेकर आया, BSSC का भी आपको आ जाएगा। 1 तारीख से जो है कि मार्केट में जो है कि अभी चूंकि फेस्टिवल था, 20 तारीख को मार्केट में हमको लाना था, लेकिन 1 तारीख को जो BSSC का प्रैक्टिस सेट आपको आ जाएगा।
इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है एक बार बढ़िया से उसको जो है तन मन धन से आप लगिएगा। ऑफलाइन सेक्शन में हम आ गए हैं, पटना में आ गए हैं, रामपुर रोड में आ गए हैं, बाजार समिति में आ गए हैं, इंजीनियर अमरनाथ चौधरी का बिल्डिंग है और एक बार में चार चार हॉर में क्लास चलता है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही मजा आएगा और इसमें मेरा जो वादा है बीएसएससी सीजीएल हो गया फोर हो गया या बीएसएससी इंटर लेवल प्लस हो गया ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से कम 1 लाख लड़कों को मैं जोड़ूंगा और 1 लाख में से कम से कम 90% रिजल्ट भी दूंगा, ये मेरा वादा है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम है तो निश्चित तौर पर आपको याद कीजिए, हम आपके साथ हैं। आपको जो है मान लीजिए कि आपको ऑफिस का नंबर चाहिए, ऑफिस का नंबर लिख लीजिएगा आप लोग 98014 और 029 आपका 33, ये जो है आपके ऑफिस मेरा जो रामपुर रोड में जो है वहाँ का ऑफिस का नंबर है, उसके बाद 7541834303। ठीक है, एक और नंबर है मेरा जिसमें आप लोग देखे होंगे 9931834363। ठीक है, ये तीन नंबर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कभी भी किसी भी तरह का क्वेरी अगर करना होगा तो निश्चित तौर पर इस पर आप क्वेरी करिएगा। तब तक के लिए हम लोग जो है आपको इस फेस्टिवल का मैं बहुत बेसब्री से जो है कि मैं वेट कर रहा था और इसमें जो है कि बहुत सारे कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं और 1000 क्वेश्चन जो आपको जो देंगे ऑफलाइन क्लास में 1000 क्वेश्चन जो देंगे इससे आपको बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। एग्जाम में जब बैठिएगा आपको 100 क्वेश्चन आपको आएगा, तो पढ़ा भी रहे हैं, आपके डिस्कशन भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन भी दे रहे हैं और लास्ट में आपका जो 1000 क्वेश्चन जो देंगे इसको तैयार कर रहे हैं और फेस्टिवल जो है मेरे लिए बड़ा जो है अच्छा है और इस 1000 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन को हिट करेगा। तो चलिए लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, इंकलाब जिंदाबाद। In the heart of Patna, Bihar, a revolution in education is underway. Introducing Edu eGurukul, your gateway to government job success. Under the expert guidance of Circle Officer Rakesh Kumar, our mission is to shape the future of our students, ensuring they are not just prepared, but a step ahead. A comprehensive curriculum, tailor-made for aspirants of government jobs. Blending traditional teaching methods with modern technology, we offer an unparalleled learning experience. With mock tests, interviews, and interactive sessions, we simulate real-world exam scenarios. Edu eGurukul has transformed my preparation. I feel confident and ready. Success stories, one after the other. Be the next. Join us, and let's build a brighter future together. Edu eGurukul, where dreams meet dedication. Enroll now.